हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इफी टीवी। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो। आपने लास्ट टाइम मेरी वीडियो देखी थी पुर्तगाल जॉब सीकर वीज़ा की, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आप पुर्तगाल में जॉब सीकर वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल थी। आज मैं आपको बात बताऊंगा कि यूरोप के वो 5 कंट्री जो आपको ईजिली जॉब सीकर वीज़ा देते हैं और उसके बाद में वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है 2 साल, फिर उसके बाद 4 साल और उसके बाद आप नेशनलिटी की तरफ जाते हो। जॉब सर्च करना इस नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, एक आर्ट होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट अपनी वीडियो में। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 कंट्री जहां पे आप इजीली जॉब सीकर वीज़ा हासिल कर सकते हो, वो भी यूरोप में। अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, फिलीपींस में हैं, या वो एशियन कंट्री जहाँ पर आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हो स्पेशली लेबर कैटेगरी में, और वहाँ पर आप ईज़िली वहाँ पर टिकट्स वगैरह सर्च कर सकते हो जहाँ पर आपको अच्छी प्राइस मिल जाती हैं। पहला कंट्री मैं आपको बताऊं, स्वीडन। स्वीडन वहाँ पे हमेशा ही वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है। जर्मनी है सेकंड, उसके बाद में पुर्तगाल है, उसके बाद में अगर आप देखो जर्मनी के बाद, अगर आप जॉब सीकर वीज़ा से देखो, यूके ने भी स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, लेकिन वो शेंजन में नहीं आता। लेकिन उसके बाद में फ्रांस ने भी स्टार्ट किया था जॉब सीकर वीज़ा, लेकिन वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज रहती है, लेकिन वो कंट्री बड़ा सो वो ईज़िली वहाँ पर उस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। अब आते हैं जी, जो सबसे बड़ा कंट्री है डेनमार्क, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, और उसके बाद में लाइफ, और वहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही आसान है जॉब सीकर वीज़ा की, स्पेशली मेडिकल लोगों के लिए, आईटी लोगों के लिए, और उसके बाद नर्सिस के लिए, और वो लोग जो लेबर कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, डैनिश है वहाँ पर, लेकिन लाइफ वहाँ पर ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ आपके राइट्स मिलते रहते हैं। अगर आप बात करें जर्मनी की, जर्मनी, यस, जर्मनी इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द यूरोप, जहाँ पे आपको इजीली जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है, लेकिन आपको अप्लाई करने के लिए आपकी प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो ट्राई करें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो प्लीज़ किसी से हेल्प ले लें, कुछ पैसे पे कर दें सर्विसज़ के, लेकिन मैक्सिमम आपको इतना पता चल जाएगा कि आपने जॉब कैसे अप्लाई करनी है। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुद समझ नहीं आती हैं, हेल्प लेनी चाहिए, और कंसल्टेंसी के हवाले से स्पेशली अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं कुछ पैसे दे के, तो अगर उसमें लाइफ बनती है तो वेरी वेरी गुड, करना चाहिए। और पुर्तगाल, पुर्तगाल इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो सबसे ज़्यादा वीज़ा देता है जॉब सीकर वीज़ा, और उसके बाद में जॉब मिल जाती है। बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं, जॉब्स ढूँढना मुश्किल है, सैलरीज कम मिलती हैं, ऑफकोर्स सैलरीज और उन लोगों का कम मिलेंगे जिनके पास कोई स्किल्ड डिप्लोमा नहीं है, उन्होंने कुछ पढ़े लिखे नहीं है, या वो लेबर में काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन लोगों के लिए मुश्किल तो होगा। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर आप नर्सिस हैं, आईटी में हैं, कंस्ट्रक्शन साइड में हैं, तो ऑफकोर्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप लोग तरक्की भी कर सकते हो। सो आसान तरीका मैं आपको बताता चलूँ जॉब सर्च करने का, आप जॉब सीकर वीज़े पर अप्लाई करें, और उसके बाद में बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं, आप गूगल में जाएं, सर्च करें, आपको बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज मिलेंगी, आपको बहुत सर्विसेज वाले मिलेंगे जो आपको कुछ पैसे लेके आपको जॉब दे देते हैं, वो सर्च करें। देखें, लाइफ में इन्वेस्ट करना पड़ता है, अगर आपने कमाने हैं तो लगाने भी हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप 2,000 या 2,500 यूरो कमाते हो किसी अच्छी फील्ड में काम करके, अगर आपको कुछ पेपर वर्किंग और कुछ चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए अगर आप कोई 1,000-1,500 यूरो लगा देते हो अपने ऊपर, तो उसमें आपका आई थिंक फ्यूचर बन जाता है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अच्छी चीज़ है आपकी फैमिलीज़ के लिए, और उसके बाद में आपके मैक्सिमम आपका किसी भी जगह पर जाके अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सकते हो, और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो मेरा तो ये मानना है जी, कुछ पैसे लगाने से अगर लाइफ बनती है तो ज़रूर करना चाहिए, और उसके बाद में आप ट्राई करो। नर्स हो तो कोशिश करें स्वीडन के लिए, वहाँ पर नर्सिस हमेशा चाहिए होती हैं। अगर आप शेंजन टेरिटरी में काम नहीं करना चाहते हो, ट्राई यूके, यूके में एनएचएस हायर हमेशा करता रहता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं जो वो फॉलो करने पड़ते हैं, टिप्स ऐसे हैं कुछ के आपको किसी न किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका पेज बहुत ज़्यादा लंबे हैं। अगर आप पुर्तगाल में करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप किसी एजेंट के हाथे ना छोड़ो, बिकॉज एजेंट जो लोग होते हैं वो छुरियां तेज़ करके बैठे होते हैं, आपको वो बता देते हैं, लेकिन वो जब काम करने का टाइम आता है तो वो पीछे हट जाते हैं, या फिर वो आपको पैसे की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। सो आप कोशिश करें, खुद सर्च करें, खुद कर सकते हो करो, लेकिन किसी फेथफुल बंदे को अगर ढूँढ सकते हो जो आपकी हेल्प कर सके,
सो आप उसके पास जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स उसको भी कुछ उसका हिस्सा पे करें ताकि वो बंदा भी गिल्टी ना फील करे कि उसने स्ट्रगल किया और उसको कुछ मिला नहीं है। जर्मनी में आप ट्राई करें ख़ुद, अगर आप मेडिकल से हैं, आईटी से हैं और अगर आप केयरर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जॉब ईज़िली मिल सकती है। और उसके बाद में आप ख़ुद कोशिश किया करें, नॉट ओनली जॉब सीकर वीज़ा, बहुत सारी ऐसे 60 टाइप्स के इमिग्रेशन हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, आप ग्रो कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो और किसी भी फील्ड में। और ये शॉर्टेज हमेशा रहेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी, आप अवेल किया करो जो अपॉर्चुनिटीज़ करंटली चल रही होती है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्जॉय करें और कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सो ऑफकोर्स आप मुझे रابطہ कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल में और उसके बाद में यूट्यूब पे, आप इसको सर्च करें और मैं आपको इसका रिप्लाई भी करूँगा। और उसके बाद में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर जी, बाय।